फ्रॉम विशांक लॉ अकेडमी। अब तक हमने पढ़ ली है आपका चैप्टर 1 से लेकर 6 तक, और 9 भी कर चुके हैं, 7 8 हम बाद में करेंगे, 10 आज हमें करना है। ठीक है, 90 से लेकर 112 तक की बात करते हैं। सेक्शन 19 क्या कह रहा है कि अटेंडेंस ऑफ ए पेरेंट्स गार्डियन चाइल्ड, यानी कि कमेटी या बोर्ड आपका जो बच्चा चाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है या चाइल्ड नीड फॉर प्रोटेक्शन है, मतलब 2013 में आता हो जो बच्चा या 2014 में जो बच्चा आता हो, ठीक है, उनके माँ बाप की अटेंडेंस को सिक्योर करवा सकती है। क्या लिखा था? कमेटी एंड द बोर्ड मे बी बिफोर द चाइल्ड इज ब्रॉट अंडर, जब उनके सामने बच्चे को लेकर आया जाएगा। ठीक है, कोई सा कौन सा 2013 वाला या 2014 वाला, ठीक है, डेफिनेशन क्लॉज के। मे इनफेक्ट रिक्वायर्ड, अगर कोर्ट को कमेटी और बोर्ड को लगता है कि इसकी एनी पेरेंट्स और गार्डियन हैव एक्चुअल चार्ज हैव प्रेजेंट एट द प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग के वक्त पे आना पड़ेगा। जो इंक्वायरी है जो 4 मंथ की होंगी, चाहे बोर्ड कंडक्ट करवाए या कमेटी कंडक्ट करवाए, उसमें बुला सकती है। 91 कह रहा है कि आपका एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी कमेटी बोर्ड इज सेटिस्फाइड द अटेंडेंस ऑफ चाइल्ड इज नॉट एसेंशियल, मतलब लग रहा है कि बच्चे की अटेंडेंस जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, तो उसकी अटेंडेंस को भी डिस्पेंसिंग कर सकती है, मतलब कह सकती है कि भैया बेटा तू घर पे बैठ या चाइल्ड होम में बैठ या फॉस्टर हाउस में बैठ, आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, shall dispense with the attendance of a child and limit the same for the purpose of recording the statement and subsequently the inquiry shall continue even in absence of the child, और inquiry चलती रहेगी, बच्चे की absence में भी चलती रहेगी, unless the order otherwise be committee of the board, जब तक आपका board चाहे तब तक, whether attendance of a child is required before the board, और अगर जरूरी है, ठीक है, तो board या committee के सामने shall be entitled to travel reimbursement, तो उसे travel reimbursement मिलेगा, diet money उसे मिलेगी, ठीक है, वो सेल्फ अपने लिए भी, और एंड स्कॉट कंप्लाइन विद द चाइल्ड जो भी बच्चे के साथ आ रहा है। एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड होंगे तो बोर्ड और कमेटी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में भी ये आपका दे सकती है। कौन कौन एक्सपेंडिचर जो होंगे, खर्चे जो होंगे बच्चे के आने जाने के, ट्रैवलिंग अलाउंसेस बोर्ड भी देगी, कमेटी की भी दे सकती है, या डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट भी दे सकती है मे बी। अब 92 कह रहा है प्लेसमेंट ऑफ अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम डिसीज, अगर मान लो कोई बच्चा जो है वो कोई बीमारी से दरग्रस्त है, ठीक है, उसे कोई बीमारी हुई है, मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो उसे मेडिकल ट्रीटमेंट भी दिया जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है? व्हेन अ चाइल्ड हु हैज बीन ब्रॉट बिफोर द कमेटी, जो कमेटी के सामने बोर्ड के सामने आया जाता है, या सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज अ प्रोलॉन्ग मेडिकल ट्रीटमेंट, उसे मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत, फिजिकल मेंटल कंप्लेंट है उसे पहले से, तो कमेटी या बोर्ड उसे लेके भेजेगी, सेंड कर देगी बच्चे को कहाँ, फिट फैसिलिटी में, प्रिस्क्राइब सच पीरियड, यानी कि एक डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में दे दिया है, किसी फिट फैसिलिटी के अंदर भेज देगी। ठीक है, 93 कह रहा है कि ट्रांसफर ऑफ अ चाइल्ड हु इज मेंटली, अब मान लो कोई बच्चा मेंटली इल है तो उसे मेंटल हेल्थ में भेज दिया जाएगा, ठीक है, मेंटली हेल्थ आवाज में भेज दिया जाएगा, और बच्चा वो कोई एडिक्शन है, उसे कोई एडिक्ट है दारू वारू का, तो उसे रिहैब में भेज दिया जाएगा, नशा मुक्ति केंद्र में भेज दिया जाएगा, वही बताया गया। 94 बहुत इंपॉर्टेंट है, 94 बात कर रहा है कि बच्चे की एज से रिलेटेड क्या प्रिजम्पशन, क्या अनुमान लगाया जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट देखा जाए तो यही है इस वाले चैप्टर में। इसमें क्या लगाया हुआ है, वेयर इट इज ऑब्वियस, जहां ऑब्वियस है द कमेटी ऑफ द बोर्ड, कमेटी ऑफ बोर्ड को बेस्ड ऑन द अपीयरेंस ऑफ द पर्सन जो उसके सामने लेके जाए, अदर देन द पर्पस ऑफ गिविंग एविडेंस, जब तक एविडेंस ना देते, द सेड पर्सन इज चाइल्ड, द सेड पर्सन इज चाइल्ड माना जाएगा। द कमेटी ऑफ द बोर्ड शैल रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन स्टेटिंग द एज ऑफ नियरली एंड प्रोसीड विद इंक्वायरी, इंक्वायरी 14 में आपका ये करवाएगी, क्या नाम है, जेजेबी बोर्ड करवाएगी, और 36 में क्या करवाएगी, CWC करवाएगी, वो बच्चे की एज देख के लग रहा है कि हाँ यार ये तो छोटा है, तो उससे रिलेटेड क्या आपका ऑर्डर दे सकती है, अब वो इसमें बताया गया। इन केस ऑफ कमेटी ऑफ बोर्ड रीजनेबल ग्राउंडेड डाउट, अगर कमेटी और बोर्ड को डाउट है कि बच्चे की एज से रिलेटेड द चाइल्ड और नॉट, कि वो बच्चा है या नहीं है, तो कमेटी ऑफ बोर्ड मे बी शैल बी अंडरटेक द प्रोसेस ऑफ एज डिटर्मिनेशन बाय सीकिंग एविडेंस, तो एविडेंस के लिए क्या करेगी, उसका बर्थ सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्कूल, मारिकुलेशन ऑफ द सर्टिफिकेट मंगवा सकते हैं, एग्जामिनेशन बोर्ड 10th 12th के सर्टिफिकेट्स की बात करी गई है, बर्थ सर्टिफिकेट मंगवा सकते हैं, देखो यहाँ पर है स्कूल से बर्थ सर्टिफिकेट मंगवाया, यहाँ पर है आपका गिवन बाय द कॉर्पोरेशन, MCD या पंचायत से जो बनते हैं वो उसका बर्थ सर्टिफिकेट भी मंगवा सकता है, यहाँ पर स्कूल से बर्थ सर्टिफिकेट और यहाँ पर म्यूनिसपैलिटी और पंचायत से है, या उसका ऑस्टिफिकेशन टेस्ट करवा सकते हैं, या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करवा सकते हैं जिससे पता चले कि भैया बच्चे की एज क्या है, और इसकी रिपोर्ट कब तक आ जानी है, चाहिए 15 डेज में आ जानी चाहिए, कितने दिन में, 15 डेज में आ जानी चाहिए रिपोर्ट। ठीक है, द प्रोवाइड सच एड डिटरमिनेशन कंडक्ट द ऑर्डर ऑफ द कमेटी और कमेटी ने ऑर्डर दिया हो या बोर्ड ने ऑर्डर दिया हो, ठीक है, 15 दिन में रिपोर्ट आ जानी चाहिए बच्चे की एज से रिलेटेड, द एज रिकॉर्डेड ऑफ द एंड एज, और जो एज फिर बोर्ड या कमेटी रिकॉर्ड करेगी फिर बच्चे की एज वही मानी जाएगी। ठीक है, वहीं से मानी जाएगी। अब सेक्शन 95 क्या कह रहा है, ट्रांसफर ऑफ चाइल्ड प्लेस ऑफ रेजिडेंस। मान लो इफ ड्यूरिंग इंक्वायरी इज फाउंड दैट चाइल्ड हेल्स फ्रॉम द प्लेस आउटसाइड द जुडिक्शन, बोर्ड और कमेटी द केस में भी, मतलब मान लो बच्चा जो है वो आपका आउटसाइड द जुडिक्शन है, मतलब इसका ट्रायल तो शाहदरा में होना चाहिए था पर इसका ट्रायल आपका फरीदाबाद में हो रहा है, तो क्या होगा आपका कि इसको वहां पर भेज दिया जाएगा। ठीक है, ऑन द डिसीजन ऑफ द ट्रांसफर इज फाइनलाइज, आपका स्पेशल यूनाइट पुलिस यूनिट करेगी। ठीक है, इसमें सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है और एक वुमेन होती है, इस लेवल में अभी पढ़ेंगे उसमें क्या है। और 96 कह रहा है ट्रांसफर ऑफ चाइल्ड बिटवीन द चिल्ड्रंस होम एंड स्पेशल होम्स और फिट फॉर फिट फैसिलिटी फिट पर्सनल डिफिकल्ट। अब इसमें कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट एट एनी टाइम, किसी भी टाइम चाहे तो आपका किसी भी बच्चे को कहीं पर भी ट्रांसफर कर सकती है, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट है। पर यहाँ पर कौन सी बात है, देखो जे बोर्ड जो है वो अपनी जुडिक्शन में भेज सकती है, पर आउटसाइड जो जुडिक्शन भेजना है तो स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी, ऐसा समझिए। ठीक है, मतलब मैं अगर जे बोर्ड जो हूँ वो शादरा का हूँ तो मैं अपने जुडिक्शन में जितने भी होम फिट होम्स ये फैसिलिटी है वहाँ पर कर सकता हूँ, पर मेरे जुडिक्शन से बाहर किसी में भेजने के लिए मेरे यहाँ जगह नहीं है या मेरे यहाँ इसे खतरा है और ये है, और आउटसाइड भेजना है तो स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी। प्रोवाइडेड द ट्रांसफर ऑफ अ चाइल्ड बिटवीन सिमिलर होम एंड फैसिलिटी और पर्सन विद इन सेम कमेटी द डिस्ट्रिक्ट शैल बी कॉम्पिटेंट टू इशू ऑर्डर, तो वही आपकी मानी जाएगी। पीरियड ऑफ स्टे शैल बी ट्रांसफर माना जाएगा, उसका नॉट बी इंक्रीज, उसका ट्रांसफर ज़्यादा नहीं किया जाएगा। अब रिलीज ऑफ ए चाइल्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूशन, अब बच्चे को चाहे तो रिलीज कर सकते हैं इंस्टीट्यूशन में, मतलब आपका जो उसे पनिशमेंट मिली थी कि वो स्पेशल होम में रहेगा, चाइल्ड होम में रहेगा, उसमें भी उसे छोड़ा जा सकता है अंडर द सुपरविजन ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के में। ठीक है, जो भी है, या रिहेबिलिटेशन से भेजा जा रहा है तो उसे कर सकता है, पर यहाँ पर भी आपके कई चीज़ों पर वो है कि हीनियस क्राइम वाले में नहीं भेजा जाएगा। 98 कह रहा है लीव ऑफ द एब्सेंस ऑफ अ चाइल्ड प्लेस इन इंस्टीट्यूशन। मान लीजिए कोई बच्चा उसको पैरोल पे, जैसे आपने सुना होगा, बाहर निकलना है और कुछ टाइम के लिए जाना है, तो उसका जो बाहर का, जैसे आपको पता होगा कि पैरोल में अगर मिलती है तो उसमें मान लो वो 3 दिन के लिए बाहर आया तो उसकी 3 दिन में से सज़ा में से वो कटेंगे नहीं, वो 3 दिन सज़ा में और बढ़ जाएंगे, वो 3 दिन बाहर जो रहा तो वो सज़ा में काउंट हो गया। पर ऐसा नहीं है, जुवनाइल में ऐसा नहीं है, इसमें यह है कि अगर वो जो बच्चा है वो 7 दिन तक बाहर है, ठीक है, तो वो पीरियड भी उसका काउंट होगा सज़ा के तौर पर। ठीक है, मतलब सज़ा में वो पीरियड काउंट होगा। ठीक है, बट अगर बच्चा वो मना कर रहा है और कह रहा है कि मैं नहीं जा रहा, तो वो चीज़ उसमें कैलकुलेट नहीं होगी, उसे अंदर रख दिया जाएगा दोबारा, चले अंदर चल। ठीक है, फॉरफिट प्रोवाइडेड चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ फेल टू रिटर्न द स्पेशल होम लीव पीरियड एग्जॉस्ट द परमिशन रिवोक फॉरफिट द टाइम ही स्टिल लायबल टू बी इंस्टीट्यूशन शैल बी एक्सटेंडेड द बोर्ड इग्नोरेंट, मतलब फिर उसका टाइम बढ़ा दिया जाएगा अगर वो मना कर रहा है, मैं ना रहा। अब 99 कह रहा है रिपोर्ट टू बी ट्रीटेड एज कॉन्फिडेंशियल, बच्चे की रिपोर्ट जो होगी वो कॉन्फिडेंशियल होगी। 100 कह रहा है आप अगर मान लो जेजेबी बोर्ड या कमेटी ने कोई डिसीजन गलत लिया, स्टेट गवर्नमेंट ने डिसीजन गलत लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजन गलत लिया, चिल्ड्रंस कोर्ट ने डिसीजन गलत लिया है, या तो इनके खिलाफ अगर इनने गुड फेथ में काम करा है इन सब ने, तो उनके ऊपर कोई केस नहीं लेकर आ जा सकता, सिंपल सी बात है। ठीक है, 101 कह रहा है कि अपील की बात कर रहा है, देखिए सिंपल सी बात है, अपील की बात हमने पहले भी पढ़ी है कि जेजेबी बोर्ड का जो भी कोई अपील होगी वो आपका चिल्ड्रंस कोर्ट में जाएगी। ठीक है, और अगर मान लो आपका कोई सीडब्ल्यूसी की जो कमेटी है उसकी अपील कहाँ जाएगी, आपका कहाँ जाएगी, हाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। CWC की जो अपील जाएगी वो आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में जाएगी, चाहे इन दोनों की किसी की भी अपील हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास लगे चाहे आपका चिल्ड्रंस कोर्ट में लगे, 30 दिन में देनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या कह रहा है एनी पर्सन एग्रीव्ड जो है ऑर्डर बाय कमेटी और बोर्ड, कमेटी या ऑर्डर करा है बोर्ड ने 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर से अपील जाएगी आपका चिल्ड्रंस कोर्ट में, एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ द कमेटी और फॉस्टर केयर स्पॉन्सरशिप इसके रिलेटेड जो आपका होगा वो आपकी नहीं जाएंगी। और अपील शैल लाई विद द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और अपील दूसरी वाली जो होगी वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो कोर्ट ऑफ सेशन हो या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, इनके कितने 30 days में ट्रायल करेंगे। प्रिवेंट द सफिशिएंट कॉज, और इन्हें लग रहा है कि नहीं यार 30 दिन चल लेट हो गए, इनको टाइम बढ़ा दे, तो ये टाइम भी बढ़ा सकते हैं राइटिंग में लिखकर। ठीक है, 2 कह रहा है कि एन अपील शैल लाई अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ बोर्ड पास बाय मेकिंग अ प्रिलिमिनरी असेसमेंट, जो 15 की होगी वो उसकी भी अपील जा सकती है। अब ये 3rd इंपॉर्टेंट है, नो अपील शैल लाई, कोई अपील नहीं जाएगी। क्या एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल, अगर एक्विटल हुआ है बाय द बोर्ड, ठीक है, एलेज हैव बीन कमिटेड और अबव द 16 ईयर्स ओल्ड, मतलब अगर कोई 16 साल का बच्चा उसकी एज जो है वो हीनियस क्राइम में ऐसे समझो ये 16 साल का से ऊपर है, ठीक है, इसने सीरियस ऑफेंस करा है या आपका पेटी ऑफेंस करा है, ठीक है, और इसमें ये एक्विटल हो गया, मतलब बोर्ड ने इसे एक्विटल कर दिया तो इसकी अपील नहीं जाएगी। पर अगर इसने हीनियस क्राइम करा और ये 16 साल से ऊपर है तो इसकी अपील जा सकती है। तो वही कह रहा है एक्विटल हुआ है बोर्ड के थ्रू आपका अदर देन द हीनियस क्राइम को छोड़कर, और वो 16 साल से ऊपर है तो आपका अपील नहीं जाएगी। अगर इसने 16 साल का से ऊपर है और हीनियस क्राइम करा, 7 साल से ऊपर वाले क्राइम करें उसमें ये बाइजत बरी हुआ है तो इसकी आपकी जाएगी अपील। भी कह रहा है कमेटी इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइंडिंग दैट पर्सन इज नॉट अ चाइल्ड इन नीड केयर ऑफ प्रोटेक्शन, मतलब ये बच्चा चाइल्ड नहीं है और इसे चाइल्ड इन नीड फॉर प्रोटेक्शन है तो इसकी भी अपील नहीं जाएगी। नो सेकंड अपील, कोई सेकंड अपील नहीं जाएगी। अब 2021 में कुछ अमेंडमेंट्स आई थी वो पढ़ते हैं। क्या लिखा है कि नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी एक्विटल बोर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ हैव अदर देन द हीनियस ऑफेंस एज कंप्लीट द एज ऑफ 16 ईयर। यहाँ पर लिखा है द चाइल्ड हु हैज कंप्लीट द एज ऑफ 16 ईयर्स, की एज उसने कंप्लीट कर ली या अबव द 16 ईयर्स है, यानी कि 16 की एज भी पूरी कर ली है, उससे ऊपर है उसकी आपका नहीं है, सेम है मतलब। 6 कह रहा है एनी पर्सन एग्रीड बाय एडॉप्शन, कोई बाय एडॉप्शन है अदर देन पास अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, मतलब 30 डेज में अगर कोई लगानी है तो वो लगा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जो अपील जाएगी वो डिवीजन कमिश्नर पे जाएगी। 7 कह रहा है एवरी अपील फाइल्ड अंडर सेक्शन 6 जो 6 में जाएगी शैल बी डिसाइड विद इन 4 वीक्स, 4 हफ्ते में जानी चाहिए, यानी कि सिंपल सी बात है। CWC की जो वो गई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास गई, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अपील कहाँ जाएगी आपकी, आ जाएगी आपका डिवीजनल कमिश्नर के पास जाएगी, और कब तक इसका डिसीजन आ जाए 4 वीक्स तक आ जानी चाहिए। प्रोवाइडेड वेयर नो डिवीजन कमीशन, अगर कोई डिवीजन कमीशन नहीं है स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरीज में एट द नोटिफिकेशन पावर रैंक ऑफ, मतलब आपका इक्वलेंट टू द डिवीजन कमिश्नर रैंक के हिसाब से अपील जाएगी। 102 कह रहा है कि रिवीजन कौन ट्रायल कर सकता है, आपका हाई कोर्ट ट्रायल कर सकता है, ठीक है। रिविजनेबल अपॉर्चुनिटी सुननी जाएगी आपका हाई कोर्ट एट एनी टाइम इधर इट्स ऑन मोशन, खुद से या एप्लीकेशन लगा कोई लगाए रिवीजन की तो कर देगा, किसकी चिल्ड्रन कोर्ट्स की या कोर्ट की, पास द लीगल एंड प्रोप्राइटरी जो भी होगी इनकी, तो हाई कोर्ट रिवीजन सुन सकता है सिर्फ हाई कोर्ट, ठीक है। और 103 आपका बात कर रहा है प्रोसीजर इंक्वायरी अपील रिवीजन और सेफ ट्रायल, इनकी जो इनका ट्रायल कैसा होगा, सम्मंस सॉरी अपील का रिवीजन का और इंक्वायरी इसका कैसा होगा, सम्मंस ट्रायल होंगे, ठीक है। तो वही बात बताया इनका ट्रायल कैसा होगा रिवीजन और अपील का भी सम्मंस केसेस की तरह। एज इसमें बस इतना 104 बताया गया पावर ऑफ अ कमेटी ऑफ द बोर्ड और टू अमेंड ऑर्डर्स, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका कोई भी ऑर्डर जो है वो कर सकता है बोर्ड जो है वो, आपका कोई भी अपने अपील या रिवीजन में कुछ भी चीजों को चेंज करवा सकता है, ठीक है। और अगर बोर्ड है तो उसमें एटलीस्ट 3 मेंबर होते हैं टोटल, तो 2 बंदे होने चाहिए, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है तो उसके 5 मेंबर होते हैं, एटलीस्ट 3 बंदे बैठे होने चाहिए। क्लरिकल मिस्टेक कभी भी आपकी क्लियर हो सकती है। 105 का जो ब्लाइंड फंड आएगा स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। 106 कह रहा है चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी डिस्ट्रिक्ट बनाई जाएगी। 107 कह रहा है एटलीस्ट 1 ऑफिसर जो होगा नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट, हर पुलिस स्टेशन में एक एएसआई लेवल का होगा, 1 स्टार तो होगा, जिसे आपका जोनल पुलिस ऑफिसर कहा जाएगा। और जोनल पुलिस यूनिट जो बनाई जाएगी उसे कौन सुपरिटेंडेंट करेगा, नॉट डीएसपी रैंक का बंदा करेगा, ठीक है। डीएसपी उसे गवर्न करेगा, ठीक है। और ऑल पुलिस ऑफिसर डेजिग्नेटेड, और जो भी पुलिस वाले होंगे तो उसमें एटलीस्ट 2 सोशल वर्कर्स होने चाहिए और उनमें से एक वुमेन भी होनी चाहिए। वुमेन वाली बात देखना यहाँ पे लिखिए, हाँ ये रही, हाँ 1 शैल बी वुमेन, एक वुमेन भी होनी चाहिए। स्पेशल जुबलाइन ऑल पुलिस ऑफिसर स्पेशल जुबलाइन में माने जाएंगे वो सभी जुबलाइन, रेलवे पुलिस से एक रेलवे पुलिस वाले भी एक स्पेशल जुबलाइन पुलिस बनाएंगे। 108 कह रहा है पब्लिक अवेयरनेस से रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कह सकती है भैया प्रचार करो। 109 में बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट सेक्शन 3 के तहत, और आपका स्टेट कमीशन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट 17 के तहत मॉनिटरिंग करती रहेगी इन सब पे, ठीक है। मॉनिटरिंग की पावर इनको भी है। 110 आपका बहुत बड़ा था तो इसमें सिंपल सी बात है स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन आ सकते हैं, पढ़ लेना। और 111 कह रहा है आपका रिवील करेगी, जो 2000 वाला सेक्शन था वो हट गया, अब उसकी जगह 2015 आ गया, ठीक है। और पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, इससे रिलेटेड जो भी रिमूव होगा डिफिकल्टीज सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। और रूल्स रेगुलेशंस बनाने की बात करी तो वो बनाएगी आपका स्टेट गवर्नमेंट, पर कुछ जगह पे सेंट्रल गवर्नमेंट की भी परमिशन लगेगी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।